चल लिफ्ट आ गई। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। कैसे आप सब लोग? तो आज है संडे का दिन और की नो बेटा, और मैं और कियान दोनों सुबह सुबह जा रहे हैं अभी नीचे। बहुत ठंडा वेदर है वैसे तो, पर कियान को नीचे ही जाना है। नाश्ता वैसे हमने कर लिया है, रोटी और चाय आज सुबह सुबह खाया। चिराग अभी ऊपर ही है, हम दोनों नीचे थोड़ा टहल के आते हैं। तो देखो मैं और कियान कैसे अभी झूला झूल रहे हैं दोनों। मजा आ रहा है कियान? मजा आ रहा है, है? बोलो तो सही, कुछ बोलो बोलो। देखो यहाँ पे है ना, सब खाली है, सिर्फ हम ही है। कियान कोई नहीं है, हम आज दूसरे गार्डन में आए हैं। हमारी सोसाइटी के का ये दूसरा गार्डन है, तो वो वाला जो गार्डन है ना, वो पूरा गीला है, पानी पानी भरा हुआ है, और यहाँ पे सब सूखा हुआ है। तो हमने सोचा कि आज यहाँ पे हम झूला झूल रहे हैं ना बेटा। ओए ढगरू, तो कियान अभी थक गया है तो बैठ गया है अभी बेंच पे, है ना बेटा? शू थाय छे, नीनी आवे छे, शू थयु? साढ़े बारह बजने को आए हैं और यहाँ पे कियान पोटी कर रहा है कोने में खड़े रह के, है ना? ये कियान की जगह है पोटी करने के लिए, वहाँ जाके ही करता है। और यहाँ पे खाना हो गया है रेडी, जिसमें है मैंगो, आलू की सब्जी सूखी वाली, और यहाँ पे है रोटी, छाछ, और कियान का खाना हो गया ऑलमोस्ट कम्प्लीट। और चिराग सो रहे थे, उठ गए अभी, पता नहीं नींद आ रही है मेरे को। तो सो जाओ, खा के सो जाओ, वही करने का सोच रहा हूँ। बाहर देखो कियान ने फैला के रखा है सब कुछ, और मौसम वैसे अच्छा है, धूप निकल रही है और जाएगी और बारिश होती है। आज लग रहा है कि बारिश आएगी ही, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। कियान क्या हो रहा है आपको? कियान जी बैठने की स्टाइल देखो, कियान ऐसे ही बैठता है ना बेटा। कोई नहीं, चलो खाना खा लेते हम। ओके, अभी सवा चार बजने को आए हैं और यहाँ पे देखो दोनों बैठ के क्या मजे ले रहे हैं। बे भुट्टा खाए हूँ रही हो रिंकल के मजे हवा हूँ मारी बाई पी नहीं। आज रिंकल ने मेरा खाना ही नहीं बनाया है, पता नहीं क्यों। तो तूने नहीं खाया था दोपहर को? मतलब भूल गई तू कि मैं आज घर पे भी हूँ? तूने दो ही कर दी, शर्म भी नहीं आई तेरे को? मम्मा ने शर्म ही नहीं आज जो तो पड़ी छे भाई। आप खाने के बाद चिराग कब से आपका मुंह चालू है, वहां से डब्बे में से सब कुछ खा रहे हो, मुझे लगा आपको नहीं भूख लगी होगी। कोई नहीं, चल अब तूने बनाया तो खा ले, हम कुछ अचर के जर वापस खा लेते हैं। नहीं, आप यही खाओगे? नहीं नहीं नहीं, खा लो थोड़ा, खा नहीं थोड़ा खा लिया मैंने, मुझे नहीं पच गए, पचेगा पचेगा पचेगा, टेंशन मत ले, इतनी नजर नहीं डालूंगा। एने कानो चलो अबे बाबे जो उचे तारे इतने ना फिक्स से बैठूं कानो बाबा जो उचे आई जो आगे पहले कोई नहीं चल तो रिंकल कुछ अभी नया है तो बता। कोई नहीं, अभी बाहर जाएंगे हम। ओके चल, तो फिर बाहर जाते हो फिर वापस दिखाते हैं कहाँ जाते हैं। तो रिंकल क्या चाहिए? हम लोग अभी जा रहे हैं, अपन मारा बाहर से कम ही लड़ाई मत करो मम्मा के साथ, बस जरूर दबाया 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 है ना, इमन पाछड़ा मम्मा शांत हो जाओ। तू ले उसे कानो जे टॉयस ले वो इंतज़ार ले ले तो यहाँ से हैं, कहे ले वाचे
બીક બોલ આ ગયા ને પછી તો બીવે છે પણ આ મેને લેવું છે. અહીંયા ડોગી છે. ઓહો કેટલો મસ્ત ડોગી છે કાનુ. લે લે તો આથી આથી આ તે બાજુમાં છે તે સારો છે. જો આયો આ લે લે. લેવો છે કોટા લેવો છે આથી. લેવો છે આથી. એમાં દીકરા લે લે બાબુ. લે લે મુન્ના લે લે. શું કઈ શું લેવું છે કે તારી નથી. આ જો આ લેવું છે. અહીંયા જો હમ ગયે થે ફર્સ્ટ ટ્રાય મેં થોડી ચીજે મિલી કિયાન કી ઓર થોડી બાકી હે તો અભી જાયેંગે હમ લે જોએ ઓર કિયાન કે લિયે થોડે ટોયઝ વગેરા. હા બેટા હા હમ લે જાયેંગે. ઓર યહાં પે લાઈન મેં સબ કિડ્સ કી શોપ હે. બહોત સારી દુકાન હે ના. જો લેના લે સકતે હો એક બાર મેં આપકે એક દેખ દેખ કે મેં કામ નહીં પડતા. હા એક જગ્યા પે આપને ગાડી ખડી કર દી ઓર સબ શોપિંગ કર લી. જયપુર કુર્તી વગેરા ભી યહાં પે સબ સ્ટાર્ટ હો જાતા હે આગે. કહાં પે યે રહી આગળ જયપુર કુર્તી. શોપિંગ હો ગઈ હમારી ડન ઓર હમ અભી પેટ પૂજા કરેંગે ક્યોંકિ વો તો જરૂરી હે પેટ પૂજા કરના. પી લડકીઓ કી પેટ પૂજા મતલબ ક્યા. પાણીપુરી જબ દેખા તે પાણીપુરી પાણીપુરી. આપને ખાઓગે ના મતલબ. દો તીન પ્લેટ ખાઉંગા મેં. બસ દો તીન પ્લેટ ચીરા ખાયેંગે ઓર મેં એક પ્લેટ ખાઉંગી. સોચો બજ કે અભી 8:15 બજ કે 5 મિનિટ ઓર હમ લોગ આ ગયા હે ઘર પે. ખાના વાના ખા કે સેવ પૂરી ભેલ પૂરી ભેલ વો સબ કુછ ખા કે આ ગયે ઘર પે. કિયાન ને ભી સાથ સાથ મેં ભેલ. કિયાન કો ભેલ બહોત પસંદ હે તો કિયાન ભેલ ખા લેતા હે વૈસે તો. પર અભી ભૂખ લગેગી તો શીરા બનાને મેં આયેગા. તો શીરા ખાયેગા કિયાન હે ના. ખાયેગા મુન્ના ખાયેગા. अभी नंगू पुंगू है तो मैं छुपा रहा हूँ. तो कियान के लिए हमने क्या लिया वो आपको दिखा देती हूँ. मतलब बता देती हूँ. इतना ज़्यादा कुछ लिया नहीं और मिला भी नहीं मुझे क्योंकि लेना था बहुत कुछ पर नहीं मिला. टूथपेस्ट ब्रश वो सब वगैरह लिया. टॉयलेट सीट ली और फिर अभी टॉयलेट मतलब क्या उसको क्या बोलते हैं पॉटी ट्रेनिंग चालू होगी. किसी ने कमेंट किया था कि ज्ञान बहुत बड़ा हो गया है उसको अभी टॉयलेट में बिठाओ. इतना बड़ा नहीं हुआ है. आप क्यों इतना सोच रहे हो. अभी 1.5 साल का भी नहीं हुआ है मेरा बेटा. बहुत छोटा है ना चिरा. अभी तो मुन्ना छोटा है. कार्टून देख रहा है. आंखें बंद करो तो अभी हाथ हटा देगा देखो. वैसे 1.5 साल के बाद ही बच्चे सीखते हैं. तो अभी से 1.5 साल का हुआ नहीं है फिर भी हम चालू कर देते हैं तो कोई नहीं सीख जाएगा. वैसे तो अभी उसको बोलना भी आ गया है तो धीरे धीरे वो उसकी आदत होती जाएगी है ना जीरा. मतलब सही है अभी से चालू करवाओ. सीखे ना सीखे वो अलग बात है. कोशिश करोगे तो सीख जाएगा. हाँ. अब जैसे पीपी करना है उसको पता है कि अब न, करके लेके चला जाएगा बाथरूम के पास खड़ा हो जाएगा. अगर आप 2 मिनट के अंदर आ गए तो ठीक है वरना वहीं पे हो जाएगा. वो तो सही बात है. और एक बात बता दूं कि बच्चे के दांत साफ करना भी मतलब वो मेन बात होती है तो वो भी अभी खुद सिखानी है हमको. हमें चिराग को कहा कियान को. चिराग को तो आता ही है तो कियान खुद ब्रश करने लगे ऐसा
हम ट्रेनिंग दोनों साथ में ट्रेनिंग चालू कर देते हैं, देखते हैं कि कौन सा पहले सीख लेता है, पोटी खुद करना सीखता है या ब्रश करना। चिरक ब्रश करना आ गया है ना, वैसे तो हमारा ब्रश लेके ब्रश करके हमारा अभी भी ऐसे ऐसे करेगा, हमारा ब्रश हाथ में आ जाता है ना, फिर भी वो ऐसे करता है, तो मुझे लगता है तब तक ब्रश करना पहले आ जाएगा, वो भी आ जाएगा है ना। कोई नहीं, तो हम दोनों चालू कर रहे हैं और आप लोगों को हम क्या हाय मेरा बोला क्यों रहा है, आज तूने पानी पूरी ज्यादा खा ली है। हम आपको है ना अपडेट देते रहेंगे कि कियान पहले क्या सीखा, पोटी करना या ब्रश करना खुद से, और एक बात और कितने दिन लगते हैं वो भी बताएंगे। एक बात वो है, अब से वीडियो का टाइमिंग वापस चेंज हो रहा है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको टाइम टू टाइम वीडियो मिलता रहे। सही में मैं सुबह का टाइम रख रहे हैं, कितने बजे का रिंकल? सुबह 10 बजे का मैं सोच रही हूँ। 10 बजे का टाइम फाइनल करते हैं और उसको अभी तेरे को चेंज नहीं करना है। अब कभी नहीं करूंगी, कभी भी नहीं, कुछ भी आसमान पाताल सब कुछ एक हो जाए। अरे यार नहीं करूंगी आसमान पाताल तो बात ही मत ले। पर मेरा यार मैं आप मेरी थोड़ी समझ लो, तकलीफ क्या ही बोलूं मैं अभी, पर हो जाता है कभी टाइम के हिसाब से, कभी खाने का टाइम होता है, कभी कुछ होता ही रहता है, इसीलिए मेरा टाइम है ना फिक्स नहीं रहता है। पर अभी क्योंकि थोड़ा मैं फ्री हो रही हूँ ऐसा लग रहा है कि अन में से ऐसा आज बोल रही हूँ तो कल से वापस चालू ना हो जाए टच वुड है ना चला। क्या जी? मैं मतलब कियान से थोड़ी फ्री रह रही हूँ ना अभी, मैं ही कर रहा हूँ कब से, आज दिन में 3 बार तो मैंने वो साफ करा है पोटी सब कुछ। क्या पोटी तो मैं करती हूँ बड़ा दिन आज। वैसे चिराग भी करते हैं, आज तो संडे था तो आज मेरा आराम का ही टाइम था, तो ऐसा सबको आना चाहिए, सब लेडीज को संडे आना ही चाहिए, किसी को नहीं आता है पर आना चाहिए। तो ऐसा करेगी तो हमारी लड़ाई हो जाएगी, बार बार मैं नहीं करूंगा पर कभी कभी संडे मिलना चाहिए ना चिराग। संडे को ठीक है, अगर सही बोल रहा हूँ, अगर मंडे टू सैटरडे करना पड़ा तो हमारी लड़ाई हो जाएगी, मजाक में बोल रहा हूँ, सीरियसली मत लेना। करते भी कहाँ हो आप कुछ भी, कोई नहीं, कियान का तो चलता ही रहेगा, कियान को चिराग को कियान, ये तो मेरा पता नहीं कब हो जाएगा। आप लोगों को भी जानना है कि बेबी को पोटी ट्रेनिंग कैसे दे करनी है, ब्रश करना कैसे सिखाना है, वो सब कुछ अगर आपको चाहिए वीडियो में तो आप मुझे बताना, तो मैं कियान का वो शुरुआत से वीडियो बनाना स्टार्ट करूंगी और आपको भी बताऊंगी कि कैसे सब ट्रेनिंग देना स्टार्ट करना है, तो वो उसका मैं धीरे धीरे वीडियो डालती जाऊंगी, तो आपको भी क्या हेल्प रहे आपके बेबी के साथ, आपको क्या कुछ करना है। साथ में लाया है ये काजू वाला से ड्राई फ्रूट्स, बहुत सारा ड्राई फ्रूट लेके आए है क्योंकि चिराग का वजन कम होते जा रहा है तो हमने क्या क्या लिया दिखा दो जरा। ये लिए है गिरी के अखरोट, गिरी के अखरोट है, फिर ये जैन पापड़ भी उसने बोला, जैन पापड़ बहुत अच्छे मिल रहे हैं, आते हैं तो दो ही तो लिया, एक अखरोट लिया और काजू लिया, बादाम तो पड़ी थी, अंजीर पड़ा है, वो सब तो नहीं, ये तो मेरे लिए लिया ना मैंने सॉल्टेड, ये तो वो तेरे को बनाना पड़ेगा वापस, क्या जो मम्मी ने बनाई थी ड्राई फ्रूट मुखवास। और ये तलोद दही बड़ा लिया है, तलोद का वैसे बहुत फेमस है सूरत में, हम लाते थे वो, ये मेरा फेवरेट धाना दाल। ये गरम करके दे दूंगी अभी आपको। यस, तो ये अच्छा रहा वैसे, यहाँ का क्या था काजू वाला, अच्छा काजू वाला, वहाँ पे सब गुजराती खाना भी मिल रहा था, नाश्ता सब तो अच्छा। इसी के साथ आज का वीडियो का भी एंड करते हैं, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और कल से सुबह 10 बजे आना ना भूलिए, हमारा व्लॉग आने वाला है जैसे सीरियल में नहीं बोलते हैं कि कल आना ना भूलिए, क्योंकि आने वाला है रिंकल लखानी का व्लॉग, तो ठीक है पर आने वाला है कियान लखानी, तो कियान लखानी को देखने के लिए ना भूले और रोज सुबह आ जाइया करो, रोज सुबह 10 बजे का टाइम आप मत भूलना, क्योंकि सुबह 10 बजे ही मैं रोज आऊंगी।